हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इवान्स वर्ल्ड में। वेलकम टू इवान्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए एक बाउल में सूजी लें, उसमें हल्का सा नमक मिलाएं, हाफ टी स्पून नमक डालें, के बाद दही डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। दही, सूजी और नमक को अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें ताकि सूजी दही में अच्छे से फूल सके। देख सकते हैं कितना मिक्सचर कितना अच्छा तैयार हुआ है। तो अच्छे से मिला लें और ढककर 10 मिनट तक छोड़ दें। सूजी के एप्पम बनने की तैयारी हो रही है। इसके लिए फिर सब्जियां लें, लहसुन, एक प्याज, एक टमाटर और 3-4 हरी मिर्ची, सबको धो के अच्छे से महीन महीन चॉप कर ले। और फिर 10 मिनट हो चुके हैं, मिक्सचर को खोले। उसके बाद सारी सब्जियां, लहसुन, मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, आपके पास और जितनी भी वेजीज है सब कुछ डाल दें उसमें। जैसे ठंडी में मटर वगैरह डाल सकते हैं। सारी वेजीज को डालने के बाद उसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालें, थोड़ा सा पास्ता मसाला। पास्ता मसाला से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है एप्पम का। सो उसमें डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर ले सबको, अच्छे से मिला ले मिक्सचर को, सारे वेजिटेबल और दही, सूजी, नमक जो भी हमने डाला है। फिर उसको 10 मिनट तक और रेस्ट करने देंगे ताकि सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब मिक्सचर को खोलेंगे और फिर मिक्स करेंगे। अब एप्पम बनने के लिए मेरा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया है। देख सकते हैं एकदम कितना स्मूथ और कंसिस्टेंसी ऐसा ही होना चाहिए मिक्सचर का। अब गैस पे एप्पम पैन चढ़ाएंगे, गैस ऑन करेंगे और थोड़े से ऑयल से एप्पम पैन को ग्रीस कर लेंगे। देख सकते हैं हल्का ऑयल डाली हूँ मैंने। उसके बाद अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि एप्पम बैटर डालने से चिपके ना। फिर चम्मच से एप्पम बैटर डालें, देख सकते हैं भर भर के डालना है अच्छे से एप्पम पैन में। एप्पम बैटर को अच्छे से डाल दें, देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे तरीके से डाला है। गैप नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए एप्पम पैन। उसके बाद लो फ्लेम पे 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 5 मिनट बाद खोलें, देख सकते हैं एक साइड से मेरा एप्पम पक चुका है। ऊपर से थोड़ा फिर ऑयल से ग्रीस करेंगे, ब्रश के हेल्प से ऑयल लगाएंगे और सारे एप्पम को धीरे धीरे करके पलट देंगे। देख सकते हैं नीचे से पक चुका है तो वो एक छोड़ दिया है पैम को। तो सबको एक एक करके सब एप्पे को पलट लेंगे अच्छे से। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप इसे चाहें तो ब्रेकफास्ट में ट्राई करें और बहुत ही अच्छी लगती है। कम ऑयल में बनने वाली बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है एप्पम। इसे आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं या कोकोनट चटनी के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। सो फिर से थोड़ा ऑयल ग्रीस कर देंगे एप्पम के ऊपर, फिर ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि अंदर से एप्पम पक सके। आप देख सकते हैं मैं बीच बीच में पलट रही हूँ ताकि नीचे से चिपके ना और जले नहीं मेरे एप्पम। अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहें ताकि दोनों साइड से अच्छे से कुक हो सके एप्पे। देख सकते हैं मेरा एप्पे का कलर चेंज होने लगा है, थोड़ा ब्राउन होने लगा है, पकने लगा अच्छे से। बस अब 1-2 मिनट तक और ढककर पकाएंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। ढक ढक के पकाना है तो देख रहे हैं मेरा एप्पे अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब कुक हो चुका है एप्पे। बहुत ही अच्छा कुक हुआ है, आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है एप्पे का। और जितना देखने में अच्छे लग रहा है उतना खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है।
सो आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। एपे मेरा बन चुका है, अब स्पून की मदद से हम सारे एपे को प्लेट में निकाल लेंगे और सब जो भी बैटर बचा हुआ है उसको भी डाल देंगे एपे पैन में। इसी तरह से हम अपना सारा एपे को रेडी कर लेंगे। अब सर्विंग की बारी आई तो प्लेट में देख सकते हैं मेरा एपे है और मैंने कोकोनट चटनी पहले से ही बना रखा था। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। सो इसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और हेल्दी है, कम ऑयल में बनने वाली सबसे अच्छी रेसिपी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।